मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर मिंटो हॉल में आज राष्ट्रीय युवा दिवस का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में खेल मंत्री विश्वास सारंग, विधायक मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ अध्यक्ष रमेश मेंदोला, सचिव ओलंपिक संघ दिग्विजय उपस्थित थे। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने देश के लिए उदाहरण पेश किया है, कल मध्य प्रदेश में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। माता अहिल्या की नगरी इंदौर 7वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 बनी है। इंदौर और प्रदेशवासियों को बधाई। सीएम का बड़ा बयान, राम मंदिर श्रद्धालुओं को पहुंचाने के लिए 22 तारीख के बाद विशेष ट्रेन जाएगी। बाबा महाकाल के प्रसाद के रूप में उज्जैन से 5,00,000 लड्डू अयोध्या पहुंचेंगे सीएम। युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जयंती 161 जोरदार तालियां बजा करके यशस्वी चिर युवा, आमतौर पे साधु सन्यासी का चेहरा ध्यान में या नाम लेते तो हमको ध्यान में आएगा साधना वाले, थोड़े क्रसकाय, दुबले पतले, थोड़े झुर्रीदार चेहरा, अलग प्रकार से ध्यान में आता। लेकिन जैसे ही विवेकानंद का नाम लेते हैं तो अपने आप हमको एक अलौकिक चेहरा दिखाने देता है, जो ऊर्जा से सराबोर, जोश उत्साह उमंग के साथ एक विलक्षण आभा लिए हम सब के बीच में उनका चित्र अपनी आंखों के सामने कोंदता है। और हम सब और भाग्यशाली हैं, हम उस धरा पे उस संस्कृति के संवाहक हैं जिनके यहाँ पर युवा के खेल के आदिकाल से हमारी सनातन संस्कृति में कितने सारे उदाहरण हैं। आप कल्पना करिए, आप सब कभी मंदिर जाते हैं और ध्यान से देखना, हमारे यहाँ देवी देवताओं की प्रतिमा भी लगेगी तो युवा देवता की लगेगी, कोई बुजुर्ग देवता आपको दिखाई नहीं देंगे। ये युवा का महत्व हम सबको ऊर्जा दिलाने के लिए, कोई भी मंदिर में कभी भी प्रतिमा लगेगी, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, जहाँ भी लगेगी, वो हमको अपने आप सदैव ऊर्जा से सराबोर रहते। और आगे बढ़े, हमारे यहाँ जिन भी देवी देवता का केवल जन्मदिन मनता है, जन्मदिन के बाद शरीर तो सबको छोड़ना है, तो जयंती मनती है, उनका निर्वाण दिवस का कोई अपने सिस्टम नहीं है। ये जो हमारी संस्कृति की उदात्त अलग अलग प्रकार की जो धाराएं हैं, इन धाराओं को समझे तो समझ में आएगा कि हाँ, हमारे अपने जीवन काल में और आगे बढ़े। आप देखो कभी ये खेल का महत्व क्या है, दुनिया के लोग कहते खेल में हम आगे, हमने खेलने सिखाया है। ये ओलंपिक की बात आती, अच्छी बात है, हम पूरा विश्व जुड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ तो परंपरा कैसी थी, अरे विवाह भी करना तो स्वयंवर के माध्यम से विवाह होता था, बिना स्वयंवर के विवाह भी नहीं हो सकता था। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। तीरंदाजी में कल्पना करो, किस कठिन परिस्थिति के आधार पर अर्जुन ने अपना विवाह किया द्रौपदी के साथ, कहां मछली की आंख और कहां तेल के अंदर देखना नीचे, कोई अंदाज लगा सकता है। स्वयंवर में भगवान श्री राम ने जो धनुष परशुराम जी का, दोनों खतरनाक मामले थे, अब तो राम जी का ही समय चल रहा है, बोलो जय श्री राम। 22 जनवरी एक ऐसा समय आया है, इस समय का 500 साल से इंतजार था, हजारों हजार साल से, वैसे तो लाखों साल से, लगभग 17,00,000 साल पहले का, क्योंकि आयु भी हमारे यहाँ नासा ने डिसाइड कर दिए राम सेतु के आधार पर, जो रामेश्वरम का सेतु था जिसको तोड़ने के पीछे प्रयास हुए थे, उसके आधार पर माना गया कि वो लगभग 17,00,000 साल पुराना है। और 17,00,000 साल पुराना मतलब भगवान राम का काल 17,00,000 साल पुराना होगा। और ऐसा एक व्यक्तित्व, भगवान राम का वो चरित्र, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श शासक, जितने भी प्रकार के भगवान के आप रूप देखोगे वो सब अलग अलग प्रकार से, और प्रेम कैसा करते हैं, आदिवासी वनवासी, यहाँ तक कि भगवान हनुमान जी क्या है, भगवान हनुमान जी सहित सारे प्राणी मात्र से प्रेम करने वाला अगर कोई शासक हुआ है तो उसका नाम है भगवान श्री राम, जिनको जीते जी अलग रूप में माना गया है। और ऐसे हमारे अपने गौरवशाली भारत के इतिहास के इस पल को हम सब
आज स्वामी विवेकानंद जयंती के आधार पर चूंकि बात निकली है, माननीय खेल मंत्री जी ने कहा है कि हमारा वो समय जिस समय पर वाकई में बहुत कठिन समय था, स्वामी विवेकानंद जब तक जाकर के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में अपनी बात नहीं रख रहे तब तक हमको दकियानुषी हे दृष्टि से नाना प्रकार से हिंदू को हिंदू कहने में भी अपमान महसूस होता था। ऐसे समय में जाकर के एक सन्यासी अपनी भगवा वेशभूषा में और अपना भातृत्व जो अपने आप बताइए, हम भाइयों और बहनों तो सहज बोलते हैं, दुनिया को नहीं मालूम उसका हम क्या कर सकते, हमारे तो रिश्ते नाते के भी इतने प्रकार हैं, अंग्रेजी बहुत सीमित भाषा में बोलती है और अंकल आंटी से काम चला लेती है, हमारे रिश्तेदार मामा चाचा ताओ बुआ भतीजे अगर रिश्तेदारी गिनो तो कितने लंबे होते हैं, अब उनको नहीं मालूम तो हम क्या करें, जैसे दुनिया ने देखा नहीं तो हिंदू धर्म को आप जानते नहीं हो उसका हम क्या करें, हम तो हिमालय की ऊंचाइयों से आगे इस धर्म की पताका फहराने वाले उस गौरवशाली संस्कृति में जीने वाले लोग, उस संस्कृति में अभी आपको आके देखने की आवश्यकता है और वो कदम कदम पे दिखाई देती है, स्वामी विवेकानंद के रूप में दिखाई देती है, नरेंद्र मोदी जी के रूप में दिखाई देती है जिन्होंने कोविड के कठिन काल के अंदर ना केवल अपने यहां दवाई अपने भाई बहनों के लिए दी है बल्कि दुनिया के कई देशों में अपनी दवाई दे करके जो सर्वे भवंतु सुखिना का जो संदेश दिया है वाकई वो अद्भुत है। और इस अवसर पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और भारत के अंदर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे बीच स्वयं वर्चुअल रूप से उपस्थित होंगे, जीवन के प्रत्येक क्षण में प्रत्येक काम को जिस काम को लगाते हाथ वो अपने आप लगता है कि कहां से कहां पहुंच जाता है। हमको मालूम है अभी लक्षद्वीप में गए थे समुद्र के अंदर टूरिज्म का एक नया स्थान, तो मालूम पड़ा मालदीव जैसे देश के 8,500 फ्लाइट कैंसिल हो गई, उनके सारी बुकिंग कैंसिल होकर के अपने देश में टूरिज्म का नया रास्ता खुल पड़ा है।